ऐसे ही हम लोगों ने कटे हुए 20 पीसेस को ऐसे बनाते हुए 8 लाइंस बना लिया। अभी इस 8 लाइंस में ही हम लोग येलो कलर जो हम लोगों ने प्लास्टिक वायर लिया था उसको हम वहाँ में ज्वाइन करेंगे। पहले हम लोग येलो कलर का प्लास्टिक वायर लेंगे, उसके बाद ये व्हाइट कलर के प्लास्टिक वायर के साथ इक्वली मेजर करके हम लोगों को नीचे तक इक्वल कर लेना है। उसके बाद फिर से हम लोग ऐसे ही नॉट बनाएंगे, ऐसे करके येलो को व्हाइट के साथ 4 नॉट बना लेंगे और ऐसे करके 4 के बाद येलो को लगा देंगे। अभी ये 4 हो गया, अभी येलो को व्हाइट के साथ इक्वल मेजर करके कट देना है। फिर से हम लोग येलो को रनिंग वायर से लेंगे, उसके बाद व्हाइट के साथ इक्वली मेजर करके फिर से 4 पीस बनाएंगे व्हाइट के साथ। इसी तरह 4 करके हम लोग पीछे भी 4 बना लेंगे, चारों तरफ 4 बना लेंगे। उसके बाद ये 4 व्हाइट को हम लोग ये बीच का वाला 2 पेसिंग नॉट बनाएंगे। ये सेम प्रोसेस ही है, सभी बैग को हम लोग ऐसे ही नॉट बनाते हैं। तो अभी हम लोग जिस डिज़ाइन के लिए बैग बना रहे हैं उसके लिए ये मिडिल का 2 पार्ट व्हाइट को ऐसे नॉट बना लेंगे। अभी इस व्हाइट को ये पीछे वाले व्हाइट के साथ फिर से बनाएंगे। इसके बाद आगे का ये व्हाइट भी बनाएंगे। अभी ये ऊपर का जो स्पेस है ये दोनों को बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों को जो शेप मिलने वाले हैं वो कुछ ट्रायंगल शेप जैसा मिलेंगे। ये ट्रायंगल शेप हो गया, अभी ये 4 को भी बनाना है। सेम प्रोसेस ही है, इसे 4 करके हम लोग जितना येलो को 4 करके व्हाइट में व्हाइट पार्ट्स में ज्वाइन किया है सबको हम लोग ऐसे ही ट्रायंगल शेप में बना लेंगे। ये 2 हो गया, अभी ये 3 पार्ट, अभी ये चारों तरफ सेम ट्रायंगल शेप का बनाना है हम लोगों को। अभी ये चारों तरफ भी हम लोगों का ट्रायंगल शेप मिल गया। अभी जो बीच का येलो पार्ट था ये दोनों को हम लोग को ज्वाइन करना है। जैसे अभी ज्वाइन किया है ऐसे ही ये अलग वाला येलो भी ज्वाइन करना है। Bueno, yo no sé cuánto me llevo, pues sí.
अभी ये एक साइड का ज्वाइन करना हो गया, अभी ये इस साइड का भी येलो को हम लोग सेम ज्वाइन कर लिया। अभी येलो को फिर से जो ट्राइंगल शेप का व्हाइट था वहाँ में येलो को बना लेंगे। यहाँ में कुछ अलग शेप नहीं मिलेगा, ट्राइंगल शेप ही मिलेगा येलो को ज्वाइन करने के बाद भी। अभी इसी तरह फिर से हम लोग येलो येलो को ज्वाइन करेंगे और ट्राइंगल शेप को थोड़ा सा येलो के साथ हाईलाइट करेंगे। ये देखिए हो गया, अभी इन सब में भी इसे बनाना है। ये हो गया, अभी ये इसके ऊपर हम लोग को नॉर्मली जैसे ऐसे नॉट बनाते ही जाना है नॉर्मली। अभी कुछ अलग शेप करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे ही आप लोग कौन सा साइड से बनाएंगे, कौन सा साइड से स्टार्ट करेंगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप लोग किसी भी तरह किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया वैसे भी कर सकते हैं। अभी ऐसे करके हम लोग होल साइड बनाते जाना है, बनाते जाके हम लोगों को फाइनल लुक देखने को मिलेगा। लेकिन इस बैग का फाइनल लुक बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, आप लोग जरूर एंड तक देखिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया है, इसी तरह सेम प्रोसेस में आप लोग ऊपर की तरफ भी बनाते जाएगा। ये देखिए हम लोगों का ऊपर तक का लुक हो गया, पीछे भी कलर बहुत सुंदर आ रहा है। हमें बनाते हुए हम लोगों को ऊपर में थोड़ा सा ऐसे जिगजैग करके ट्रायंगल लुक्स में मिल रहा है। अभी इस जिगजैग करके जो हम लोगों को ट्रायंगल जैसा शेप मिल रहा है उसको आप लोग ऐसे ही ट्रायंगल शेप से ही रख सकते हो, लेकिन मैं इसको पूरा इक्वल करने वाली हूँ। इसको इक्वल करने के लिए ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ 3-3 नॉट बनाना है, उसके बाद इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए मैंने वाइट को 3 नॉट में बना लिया, अभी इक्वल हो गया येलो के साथ। अभी इधर भी 3 नॉट बना लेंगे। आप लोग जो मैं अभी वाइट कलर बना रहे हैं 3-3 नॉट ऐड कर दे रहे हैं इक्वल बनाने के लिए, ऐसे नहीं बना के भी इस तरह ही ट्राइंगल लुक में रख सकते। अभी मैं ये होल शायद इक्वल कर लेंगे ये वाइट को ज्वाइन करके। अभी ये मेरा हो गया दोनों तरफ वाइट इक्वल हो गया। अभी इसको
अभी आप लोगों को मेरे जैसा ही अंदर का पार्ट बाहर निकाल के जो बाहर का पार्ट था उसको नीचे से अंदर घुसाना है। हम लोग अच्छे से अंदर बाहर का पार्ट्स घुसा लेंगे। उसके बाद हम लोगों को ऐसे जो वायर था वो ये बचा हुआ वायर आप लोगों को अंदर डाल देना है, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ। इस साइड का वाला हम लोग ऐसे अंदर की ओर डालेंगे। ऐसे करके हम लोगों को सारे वायर को क्रॉस शेप में अंदर डाल लेना है। ऐसे करके हम लोग सबको डाल देंगे। उसके बाद चलिए क्या लुक्स आता है देखते हैं। हम लोगों को ऐसा लुक्स मिल गया। अभी यहाँ में हैंडल लेना बाकी है और हैंडल का वीडियो मैं अलग वाली वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। हैंडल लेने के बाद हम लोगों को ये फाइनल लुक मिल गया। अभी यहाँ में हम लोग स्टाइल के लिए फ्लावर भी दे सकते हैं। ये देखिए फ्लावर दे दिया और ये फाइनल लुक हो गया। फ्लावर और हैंडल का वीडियो मैं आप लोगों को अलग वाले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।